वेलकम टू HJ News। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ News। वायुसेना का फाइटर क्रैश हुआ, लोग देखते रहे और धू धू करके जल गया। बुधवार को जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। विमान खेत में जाकर गिरा और इसमें आग लग गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल बड़गांव शहर से 7 किलोमीटर दूर गारेंद गांव में बताई जा रही है। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत की आशंका भी बताई जा रही है। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। एयरक्राफ्ट ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग पर था, तभी प्लेन क्रैश हुआ। देखने वालों का कहना है कि एयरक्राफ्ट नीचे की ओर आने लगा और थोड़ी देर में जोरदार आवाज़ हुई और विमान क्रैश हो गया, इसमें आग लग गई। मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गए। जनाब, ये घटना तब हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। बता दें कि 20 दिनों में भारत के 5 विमान क्रैश हुए हैं। हाल ही में बैंगलोर में एयरो शो के दौरान 2 सूर्य किरण विमान आपस में टकरा कर क्रैश हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।